इसी स्मार्टफोन को यूज करते हुए 3 मंथ्स हो चुके हैं और हम आपको बताने वाले कि ये जो स्मार्टफोन है कहाँ पे स्टैंड करता है। आपने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देख ली होगी कि कैमरे में अच्छा है, डिजाइन वाइज अच्छा है, बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये स्मार्टफोन मेरे हिसाब से हर एक पर्पज में अच्छा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियो में सारी वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियोज रेगुलर पे करते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके कलर के बारे में, तो ये हमारे पास जो है वो हॉट पिंक कलर के अंदर देखने को मिलता है। और अगर बात करें इसके डिजाइन लैंग्वेज के बारे में, बहुत ज्यादा अमेजिंग डिजाइन है और बहुत मतलब ऐसा भी कुछ अलग टाइप का डिजाइन उन्होंने क्रिएट नहीं किया, बट बैक साइड में आपको ये वीगन लेदर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कुछ और भी कलर्स देखने को मिल जाएंगे। और वैसे भी जितने भी पहले मोटोरोला के फोन आते थे, ये एक चीज जो सबसे ज्यादा दिक्कत होती थी कि वो बहुत मोटे होते थे, बट इस स्मार्टफोन की जो थिकनेस है वो बहुत ज्यादा कम देखने को मिलती है। इसका वेट भी बहुत ज्यादा कम है, 200 से कम ग्राम में आपको देखने को मिल जाता है। पूरा आपको ये जो है ब्लैक पूरा लेदर भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप ना जो आप फोन होल्ड करोगे तो आपको एक अच्छा फीडबैक आपको अपने बॉडी के थ्रू देखने को मिलता है। और अगर बात करें इसके अंदर कोई कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके वजह से एक जो आपका अमेजिंग एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक चीज जो मोटोरोला से मुझे शिकायत है कि मोटोरोला ने इसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव फिल्म या कोई भी गार्ड लगा के नहीं दिया, तो जब भी आप स्मार्टफोन परचेस करोगे आपको सबसे पहले इस पे टेम्पर या गार्ड वगैरह लगवाना पड़ेगा। अगर बात करें इसमें आपको साथ में एक मतलब केस वगैरह भी मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा केस आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे पूरे डिजाइन वगैरह के बारे में, तो डिजाइन तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अमेजिंग है, बट इसके अंदर आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। 21 से 23 हजार रुपए के बीच में यह स्मार्टफोन स्टैंड करता है और उसके अंदर आपको IP68 की रेटिंग सिर्फ मोटोरोला प्रोवाइड कर रहा है। अब बात करते हैं इसके अंदर डिस्प्ले के बारे में, डिस्प्ले इसका बहुत ज्यादा अमेजिंग है। सबसे पहले बता देता हूँ इसका डिस्प्ले कोई भी HDR को सपोर्ट नहीं करता है। आप YouTube पे या Netflix पे कोई भी वीडियो देखोगे उसमें आपको HDR का सपोर्ट नहीं है, बट अगर बात करें डिस्प्ले के व्यूइंग एक्सपीरियंस के बारे में, तो बिना HDR के मोटोरोला ने पता नहीं कैसे पॉसिबल किया है कि इसकी डिस्प्ले से जो आउटपुट निकल के आता है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। आपको कलर्स बहुत पंची देखने को मिलते हैं, आप कोई भी कॉन्टेंट देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अमेजिंग है कि अगर आप मीडिया कॉन्टेंट बहुत ज्यादा देखते हो ना, तो ये स्मार्टफोन आपको एक बार चेकआउट करना चाहिए, बिकॉज इसके जो बेजल्स हैं वो भी आपको कम देखने को मिलती है। कर्व डिस्प्ले की वजह से एक एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाता है। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो आपको कलर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो भी मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अमेजिंग। बट हाँ, एक बैटरी जो है इसके अंदर वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और बैटरी का जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। आपको काफी अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक चीज और बताऊं, यहाँ पे जो चार्जिंग स्पीड है ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे आपको 68 W की चार्जिंग देखने को मिलती है, तो बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग है। आप आराम से इसको यूज कर पाओगे, एक दिन का आराम से बैकअप ये स्मार्टफोन निकाल के दे देता है जब आप इसको हैवी यूज करते हो। और अगर आप रेगुलर यूजर हो तो मेरे हिसाब से आपको एक दिन से ज्यादा इसकी बैटरी चल जाने वाली है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, बिकॉज इसके अंदर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 प्रोसेसर, जो कि एक डिसेंट प्रोसेसर है। इस प्राइस रेंज में आपको लगभग यही प्रोसेसर देखने को मिलता है। बट अगर परफॉर्मेंस एरिया की बात करें, तो आपको डेली टास्क वगैरह अगर आप करते हो, इसके अंदर स्क्रॉलिंग वगैरह करते हो, और इसकी रैम मैनेजमेंट तो बहुत अमेजिंग है। अगर आप इस पे काफी सारी एप्स को यूज करते रहते हो और आप बार बार उसको मतलब हटाते नहीं, क्लियर नहीं करते हो, तो आप जहां से ओपन करोगे वहीं से ओपन होती है, तो रैम मैनेजमेंट बहुत अमेजिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। और अगर प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की बात कर ले, तो यहाँ पे आपको 60 FPS की गेमिंग आप BGMI पे कर सकते हो, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब ये स्मार्टफोन कोई गेमिंग स्मार्टफोन तो नहीं है, बट इसमें आप कैजुअल गेमिंग आराम से कर पाओगे। और मैं ऐसा नहीं कहता कि आप हार्ड गेमिंग नहीं कर सकते, बट FPS वहां पे गिरते जाएंगे। और अगर आप आधा एक घंटा इसमें गेमिंग खेलते हो तो इतनी ज्यादा हीटिंग प्रॉब्लम भी आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। रैम टाइप की अगर बात करें, तो इसमें आपको UFS 2.2 देखने को मिलता है और LPDDR4X रैम देखने को मिलती है। अब स्पेक्स थोड़े से कम है, बट अगर डेली यूज में आप इसको स्क्रॉल करते हो या चीजें करते हो, तो वहां पे जो डेटा ट्रांसफर स्पीड वगैरह जो है वो आपको काफी अमेजिंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से UFS 2.2 जो स्टोरेज है वो काफी अच्छा बैकअप आपके लिए बना। वैसे हम तो जानते हैं कि आपको पता है मोटोरोला के स्मार्टफोन के अंदर जो UI एक्सपीरियंस है वो काफी अमेजिंग देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा मोटोरोला के स्मार्टफोन आप सबसे ज्यादा जाने जा रहे हैं उनके क्लीन UI एक्सपीरियंस के बारे में। बट यहाँ पे जो आपको ऐप एनिमेशन और काफी सारी चीजें देखने को मिलती है, क्योंकि अगर आप इसी प्राइस रेंज में और कुछ स्मार्टफोन को चेकआउट करोगे तो वहां पे क्या है कि आपको थोड़े बहुत से यहाँ पे बग्स वगैरह देखने को मिलते हैं, बट इस स्मार्टफोन के ज्यादा बग्स वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। हेलो UI की वजह से आपको जो कस्टमाइजेशन के फीचर्स हैं वो भी आपको काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वैसे कुछ अगर गेस्चर्स की बात कर ले, तो यहाँ पे आपको काफी सारे गेस्चर्स देखने को मिलते हैं। आप डबल चेक करते हो तो यहाँ पे आपका फ्लैश जो है वो ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, और इसके अंदर आपको बहुत सारे मतलब गेस्चर्स तो सारे
बड़े देखने को मिल जाते हैं। बट अगर बात करें यहाँ पे स्मार्ट कनेक्ट का जो फीचर है, जो कि आजकल जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं मोटरोला के, उसके सब में दे रहा है वो, चाहे वो फ्लैगशिप हो चाहे वो मिड रेंज के स्मार्टफोन हो। तो स्मार्ट कनेक्ट के थ्रू आप डेटा ट्रांसफर वगैरह जो अगर करना चाहते हो तो इसी तरीके से कर सकते हो आपके लैपटॉप पीसी वगैरह में, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरेज के बारे में, जो कि बहुत सारे अगर आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देखोगे, ट्विटर पर भी देखोगे, यहाँ तक कि आप फ्लिपकार्ट की रेटिंग पर भी जाके देखोगे, तो लोगों ने यहाँ पे इनके पोर्ट्रेट फोटोज़ के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहा है, और यहाँ पे जो आपके फोटोज़ की जो कलर्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट यहाँ पे निकाल के दिए। तो मैं अब बात करता हूँ कैमरेज के बारे में, तो इसके अंदर आपको दो सेटअप देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का OIS सेंसर है और 30 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जिसके अंदर आपको माइक्रो लेंस भी देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फ्रंट के बारे में, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं फोटोज़ के बारे में, तो फोटोज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे आप किसी भी कंडीशन में फोटो अगर खींचते हो तो आपको कलर्स बहुत तगड़े देखने को मिलते हैं। अगर आप सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हो, फोटोज पोस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो डेफिनेटली ये फ़ोन आपके लिए एक अच्छा एडवांटेज बन जाता है इस प्राइस रेंज में, बिकॉज पंची कलर्स ला के देता है और इसका पोर्ट्रेट शॉट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, बिकॉज यहाँ पे आप अलग अलग MM में लेंसेज में स्विच कर सकते हो, जिसके वजह से यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी निकलती है। तो आपको अगर मैक्रो शॉट लेना है या पोर्ट्रेट पे फोटोज़ वगैरह निकालनी है तो काफ़ी अमेजिंग रिजल्ट यहाँ पे निकाल के देता है। और अगर स्किन टोन वगैरह की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, डायनेमिक रेंज बहुत अमेजिंग देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड काम कर रहा है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि जो एक्यूरेट कलर्स है वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, बट जिनको पंची कलर्स पसंद है ना, डेफिनेटली बता रहा हूँ ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग बन जाता है। और अगर कैमरे फीचर्स वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे डुअल कैप्चर मोड आपको देखने को मिलता है, टिल्ट शिफ्ट है, टाइम लैप्स है, और आपको अल्ट्रा रेजोल्यूशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है, नाइट विजन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें तो आपको इसके अंदर देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। तो कैमरा प्रोसेसिंग काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है। अगर आप 21 से 23 हज़ार के बीच में आप स्मार्टफोन ढूंढ कि आपको एक अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाए, मैं ये नहीं कहूंगा कि कैमरा में ही बेस्ट है या परफॉर्मेंस में भी बेस्ट है, आपके लिए एक एवरेज स्मार्टफोन बन जाता है जिनको डेली टास्क वगैरह करना, एक अच्छा कैमरा भी चाहिए, एक अच्छी बैटरी भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी अच्छी, गेमिंग वगैरह भी करनी है, और देखने में काफी ज़रा सुंदर होना चाहिए, तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हो। अगर ऑफर्स वगैरह की बात करें तो शुरुआत में जब यह स्मार्टफोन लॉन्च हुआ तब इसके अंदर 2000 के ऑफर्स वगैरह चल रहे थे 23000 में, तो कुछ 21000 में आपको देखने को मिल जाता था, बट अगर अभी की बात करें तो ये आपको 22000 के आसपास, इसकी प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है। तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप वहां पे जाके चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हो तो वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। और आपका क्या ओपिनियन है इस स्मार्टफोन के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा। चलिए फिर आज के वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।